हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैकर ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने सिस्टम के हेल्प से यूट्यूब पे गेमिंग को स्ट्रीम कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा के परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको स्ट्रीम करना चाहते हैं यूट्यूब पे। अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो भी आप अपने कंप्यूटर के हेल्प से यूट्यूब पे आप स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में OBS को इंस्टॉल करना होगा। OBS को सिंपली यहाँ से आपको इस यहाँ पे आना है। यहाँ पे मतलब आप सिंपली OBS स्टूडियो डाउनलोड लिखेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेंगे, मैक वाले, एप्पल या फिर लिनक्स वाले यहाँ, और अगर विंडोज़ वाले सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोडर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो सिंपली आपको डाउनलोड होने के बाद उसको क्लिक करना है, उसको यहाँ से रन कर देना है यस करके। ये आपका बैक अब रन हो गया है। यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो अभी ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे जब मैं यूट्यूब चैनल को अपने लिंक करूँगा OBS से, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप सही से अगर प्रोसेस स्टेप नहीं करेंगे तो वो लिंक नहीं होगा और वो फिर स्ट्रीम नहीं होगा। तो यहाँ से फिनिश कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप स्ट्रीम करना चाहते हैं, मतलब आप इम्पोर्टेंस किसको देंगे, स्ट्रीम को या रिकॉर्डिंग को। अगर आप स्ट्रीम को दे रहे हैं तो आप फर्स्ट में ही रहने देंगे, अगर आप रिकॉर्डिंग को दे रहे हैं प्रायोरिटी तो आप सेकंड वाले को टिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ इसका वर्चुअल कैमरा का यूज़ करना चाहते हैं जिससे मैं अपने स्क्रीन को कहीं और शेयर करना चाह रहा हूँ, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, बट वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पे ही रहने देना और यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। तो ये नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, फुल HD का है और FPS पे है, मतलब फ्रेम पर सेकंड। तो ये जितना ज़्यादा होगा FPS उसका, उतना ज़्यादा मतलब कि लेटेंसी कम होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका वीडियो काफ़ी स्मूथ चलेगा। और ये आपका रिजोल्यूशन है कि आप फुल HD पे रखना चाहते हैं या HD पे, सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कस्टम का भी ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे खुद ये डिसाइड कर लेगा मेरे सिस्टम को एनालाइज करके। यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है कि आप अकाउंट को कनेक्ट कीजिए, या तो यूट्यूब या ट्विच या कोई भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यूट्यूब RTMPS पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि अकाउंट को कनेक्ट कर देना। तो रिकमेंडेड ऑप्शन है अकाउंट कनेक्ट करने का, तो कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके वहाँ पे ले आएगा जहाँ पर से आपका गूगल लॉगिन है। यहाँ से मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूँगा। यहाँ से मेरे से कुछ परमिशन मांग रहा है जो कि स्ट्रीम करने टाइम ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। मैं इस पेज को क्लोज कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये हो गया है कनेक्ट। अब मेरे को यहाँ पे शो भी कर रहा है हैक प्रो आ चुका है, अकाउंट डिसकनेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड अकाउंट। यहाँ से सिंपली हमको नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी तरीके का यहाँ पे एनालाइज चल रहा है मेरे सिस्टम पे, ताकि ये हम मेरे को क्लियर कर सके कि इस पे 60 FPS में मैं वीडियो को स्ट्रीम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या फिर कितने FPS पे कर सकता हूँ। तो वो सेटिंग यहाँ से ऑटोमेटिक ये चेक कर लेगा। और यहाँ पे मेरे इंटरनेट का भी बैंडविड्थ चेक हो रहा है, मतलब कि कितना MBPS मेरा डेटा अभी सपोर्ट कर रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे स्ट्रीमिंग होगा। तो इस प्रोसेस को होने देते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है, मतलब कि 10,000 bitrate मेरा सपोर्ट करेगा, और फिर 60 FPS सपोर्ट करेगा, 1920x1080p ये सपोर्ट करेगा, मतलब फुल HD मेरा सपोर्ट करेगा। तो सिंपली मेरे को अप्लाई सेटिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पे लिंक हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि मैं किस चीज़ को स्ट्रीम करना चाहता हूँ।
उसके लिए आपको सिंपली सोर्स में आना है। सोर्स में आने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड कर देना है, और गेम कैप्चर कर सकते हैं आप यहाँ से, ब्राउजिंग कर सकते हैं। जैसे ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ से मैं किसी एक फाइल को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, लोकेट लोकल फाइल करके ब्राउज करके यहाँ से मैं किसी भी फाइल को सपोर्ट करके मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ यूट्यूब पे। तो मैं ये बिल्कुल अभी नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकता हूँ कुछ भी, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि गेम कैप्चर करना चाहता हूँ, तो मेरे को सिंपली अपने गेम को ऑन कर लेना है। गेम मेरा यहाँ रहा नीड्स फॉर स्पीड NFS, और इसको मैं यहाँ से रन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं गेम को रन कर चुका हूँ, मेरे को सिंपली यहाँ से ऐड पे जाना है, गेम कैप्चर पे जाना है। गेम कैप्चर पे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इससे, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको ओके कर दूंगा। और गेम कैप्चर के साथ साथ यहाँ पे वो ऑटोमेटिक साउंड को भी कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये चैट वाला सेशन है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्टार्ट स्ट्रीम पे जाऊँगा, मैनेज ब्रॉडकास्ट पे जाऊँगा। मेरे को यहाँ पे कुछ टाइटल देना होगा, तो मैं टाइटल दे देता हूँ। और सेम मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, नॉट्स फॉर किड्स। ये ऑटोमेटिक कैटेगरी आ गया गेमिंग का, पब्लिक हो गया है। और मेरे को थंबनेल भी मैं यहाँ से डाल सकता हूँ सेलेक्ट करके वो अपने, तो मैं अभी थंबनेल नहीं डालूंगा, क्रिएट ब्रॉडकास्ट एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दूंगा। तो ये जब तक बैकग्राउंड में होता रहेगा, मेरे को थोड़ा सा गेम खेलता हूँ मैं। तो ये आपका स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे चैट वाला भी ऑप्शन आ गया है, जो भी पब्लिक चैट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ओ भाई भाई भाई, बहुत एक्सीडेंट होता है, बहुत 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 बहुत। अब मेरे को अच्छा खेलना है। रोड बढ़िया क्यों नहीं मिल रहा यार, दौड़ाना है अभी गाड़ी मेरे को। ओहो क्या टर्न, क्या स्लोपिंग है भाई, खतरनाक। प्लीज देखो भाई क्या यहाँ से व्यू आ रहा है, व्यू पॉइंट बहुत खतरनाक है। मेरे को जाके देखना है मेरा स्ट्रीम चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कर दूंगा डिस्प्ले साइज, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और फुल स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब मेरे को सिंपली यूट्यूब खोल लेते हैं, यहाँ से मैं वाइट की डाला, मेरा यूट्यूब ओपन हुआ। मेरे को देखना है लाइव अभी क्या चल रहा है। ओ भाई ये साइन इन भी नहीं है, तब कोई बात नहीं, मेरे गूगल अकाउंट होगा यहाँ से तो होगा साइन। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये लाइव अभी स्ट्रीम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रीम हो रहा है, वो भी क्वालिटी फुल HD है आपका, 60 FPS तक ये सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। वन वॉचिंग वो भी मैं हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।